हाय प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सभी। फाइनली आप सभी को पता है कि आप सभी का नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स का जो रिजल्ट था जारी हो गया था। अब बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे जो फेल हो गए थे, सर वेटिंग लिस्ट कब आएगा, वेटिंग लिस्ट कब आएगा नवोदय विद्यालय का। जी हाँ बच्चों, आप सभी को बता दूँ कि नवोदय विद्यालय का वेटिंग लिस्ट कब आने वाला है। अब की बार बच्चों, जिन बच्चों का जो लिस्ट आई है ना नवोदय विद्यालय की, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, ठीक है, वो तो इस देखेंगे, ठीक है, जिनका हो गया है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। वेटिंग लिस्ट कब आएगी नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स के पेपर की। जी हाँ बच्चों, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन सभी को वेटिंग लिस्ट का ही इंतजार रहता है, ठीक है। उनका बस वेटिंग लिस्ट पे डिपेंड रहता है, उनको एक आस रहती है थोड़ी सी कि मेरा वेटिंग लिस्ट में शायद नंबर आ सकता है। जी हाँ बच्चों, मैं उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा किस महीने में वेटिंग लिस्ट आएगा, किस बावजूद में वेटिंग लिस्ट आएगा, और आपका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होगा या नहीं, आपके किस तरह से सिलेक्शन होता है वेटिंग लिस्ट में। जी हाँ बच्चों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए नवोदय से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अजय विद्यागान को, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। बच्चों यहाँ पे आप बात करते हैं कि आखिरकार नवोदय विद्यालय जिंदी वेटिंग लिस्ट कब जारी करती है। जी हाँ बच्चों, आप सभी को बता दूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 80 बच्चों का चयन होता है। आप बोल रहे होंगे सर हमको पता है कि 80 बच्चों का चयन होता है। जी हाँ, सुनिए पॉइंट है बात में, 80 बच्चों का चयन होता है हर बार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब की बार भी 80 बच्चों का सिलेक्शन हो गया सभी डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना पूरे ऑल इंडिया में, पूरे राज्य में, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 80 बच्चों को ले लिया गया है, ठीक है। अब बच्चों उनको ना 10-15 दिन का टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट के ऊपर भी वीडियो हम आ जाएगा, ठीक है। उनको स्कूल में बुलाया जाएगा, फिर उनके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों उनमें ना जो बच्चों का कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, मतलब उनके डॉक्यूमेंट फर्जी निकलेंगे या वो एडमिशन नहीं लेंगे, तो उनकी जगह पर बच्चों, जैसे मान लीजिए 80 में से 10 बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और 10 बच्चों का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया, वैसे इतने बच्चों का नहीं होता, मतलब ऐसे ही होता है 10 से 15 सीटें निकलती हैं मतलब वेटिंग लिस्ट के लिए हर ज़िले से, ठीक है। क्योंकि 10 से बच्चे होते हैं, कुछ वो होते हैं जिनका फर्जी डॉक्यूमेंट होता है उनको निकाल दिया जाता है, स्कूल से एडमिशन नहीं लिया जाता है, कुछ वो होते हैं जिनकी एज वगैरह ज़्यादा होती है उनका एडमिशन नहीं लिया जाता है, ऐसे ही 10 से 12 सीटें खाली हो जाती हैं, ठीक है। मतलब 10 से 12 सीटें मतलब वेटिंग लिस्ट के लिए निकाली जाती हैं। अब उनके स्थान पर किन बच्चों को वेटिंग लिस्ट में लिया जाएगा, ठीक है, ये सभी मन में डाउट होता है। जी हाँ बच्चों, मान लीजिए जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, जैसे मान लीजिए किसी बच्चों के फर्जी डॉक्यूमेंट थे और उसका जो मार्क्स था 90 था, ठीक है, और 90 बच्चे का उसका जो एडमिशन था कैंसिल हो गया था या उसने एडमिशन नहीं लिया, तो बच्चों अगर आपका उससे थोड़ा सा एक मार्क कम है, मतलब 89 आपके हैं, तो आपका वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा नंबर, ठीक है। इस प्रकार से चयन होता है वेटिंग लिस्ट में। अब बच्चों बात करते हैं कि जो नवोदय विद्यालय की जो वेटिंग लिस्ट है कब आने वाली है। जी हाँ बच्चों, आप सभी के मन में एक ही डाउट होगा, वेटिंग लिस्ट कब आएगी सर, वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो बच्चों आप सभी को बता दूं कि नवोदय विद्यालय सिमती अब इनके घर पे कॉल लेटर भेजेगी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ, इनके घर पे कॉल लेटर भेजेगी, इनको अपना डॉक्यूमेंट रेडी करवाने के लिए बोलेगी और इनको टाइम देगी, उसके बाद इनको स्कूल में अपॉइंट किया जाएगा। और मैं आपको पल पल की जानकारी दूंगा, ठीक है। अब आपको बता दूं कि इनको जानकारी मिलेगी कि आपको स्कूल में आना है, ठीक है, उसके बाद इनको स्कूल में बुलाया जाएगा, ठीक है। अब बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बच्चों का एडमिशन होने के बाद एक महीने बाद वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाती है, और वेटिंग लिस्ट कहीं पर भी नहीं आती है, ना ही नेट पे आती है, ना ही नवोदय की सिमती की ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है। जो वेटिंग लिस्ट आती है वो उन बच्चों को फ़ोन करती है जिन बच्चों का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय की वेटिंग लिस्ट में हुआ है। जी हाँ बच्चों, उनको पता रहता है सब कुछ, ठीक है, उनका उनके पास आपका एडमिट कार्ड भी रहता है, ठीक है, रोल नंबर भी रहता है। फिर आपके घर पे वो फ़ोन करते हैं कि आपके बच्चे का जो नवोदय विद्यालय में चयन हो गया है वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, आपको ये बनवा लेना है और ये लेके आना है, इस दिन लेके आना है, ये चाहिए तुमको, आपके बच्चे का चयन हो चुका है। तो इस प्रकार से नवोदय विद्यालय में वेटिंग लिस्ट के द्वारा चयन होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि सर वेटिंग लिस्ट आखिर कब तक आएगा, तो बच्चों आप सभी को बता दूं कि जो नवोदय विद्यालय का वेटिंग लिस्ट है, जब भी नवोदय विद्यालय का जो एडमिशन प्रोसेस है ना क्लास सिक्स का, वो खत्म होने के बाद वेटिंग लिस्ट 10 से 15 दिन, मतलब 15 से 1 महीना लगता है वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए, ठीक है, एक महीना लग जाता है मेनली। तो जब भी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स से, जिन बच्चों का अभी बार चयन हुआ है 11 के पेपर में, उनका जब चयन होने लगेगा, ठीक है, उसके एक महीने बाद आप सभी का जो वेटिंग लिस्ट है जारी कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपना मार्क्स जरूर बताइएगा कि कितना आपको मार्क्स बना था और आपका फिर भी चयन नहीं हुआ, ताकि मैं बता सकूं कि आपका जो मेरे लिस्ट में नाम आएगा या नहीं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नवोदय से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। मिलता है कल के एक और नए वीडियो में। बच्चों बाय बाय गाइस, टेक केयर।